हमारे बड़े भाई मोहतरम हज़रत अल्लामा नासिर मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह तबारक व तआला, मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला इनकी कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। मैं अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ताहिर अपने उस्ताद मोहतरम शेख क़ारी यहिया रसूल नगरी साहब हफ़िज़हुल्लाह उनकी क़यादत में क़ारी बिलाल अज़ीज़ी साहब, क़ारी मंसूर साहब, क़ारी खालिद यकूब साहब, हमारा ये वफ़द साहिबाल से मोहतरम नासिर मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह के पास आया। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है जो इनके साथ ज़्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है। रस्ते में भी हमने अल्लाह की तौफीक से दुआ की है, हमारा ये ईमान है रसूल्ला की ज़ुबान अल्लाह मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करते। रस्ते में हम ये दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला मदनी साहब की हिफाजत फरमाए और जिन ज़ालिमों ने जुल्म की है अल्लाह ताला उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए और अल्लाह ताला उन ज़ालिमों को इस मुआशरे के लिए इबरत का निशान बनाए। और मेरा ये पैगाम है अपने नाज़रीन से कि उलमा की कदर करें, उलमा का एहतराम करें। हमारी बकाव उलमा से है, अगर उलमा नहीं रहेंगे तो ये दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। एक आलम दीन की कदर करना, एक आलम दीन का एहतराम करना गोया कि अल्लाह ताला का एहतराम करने के बराबर है। इस तरह के अबू दाऊद की रवायत रसूल फरमाते जो एक आलम दीन की कदर करते हैं, एक हाफ़िज़ कुरान की कदर करते हैं, एक आलम दीन का एहतराम करता है गोया कि अपने अल्लाह का एहतराम करते हैं। जो मदनी साहब को तकलीफ़ पहुंची है, इंतहाई ज़्यादा दुख हुआ है। जिस रात इनके साथ ये हादसा हुआ है, ईशा की नमाज अदा करके, वैसे मेरा यह मामूल है मैं जल्दी ही सो जाता हूँ, मैं सो गया हूँ, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे कॉल की, मेरे घर के नंबर पर मुझे कॉल आई। मेरे वालिद साहब इंतहाई ज़्यादा इनसे मोहब्बत करते हैं, अगर इनसे मुलाकात नहीं है, हकीकत बात यह है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते इनकी तकरीरों को, इनके बयान को मेरे वालिद मोहतरम बहुत ज़्यादा खुशी से सुनते हैं। वो कसूर मेरे भाई गाँव गए हुए हैं, मेरे नंबर पे कॉल की, मेरा नंबर ऑफ था, फिर उन्होंने मेरे घर पे नंबर पे कॉल की और मेरी मैसेज ने मुझे बेदार किया कि अबू जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने नंबर ऑन किया, मैंने कहा अबू जी बताओ। इंतहाई परेशानी के लहजे मुझे कहने लगे बेटा कुछ पता चला? मैंने कहा नहीं अबू जी। कहते नासिर मदनी साहब उनको किसी ने मारा है। मैंने कहा अबू जी मुझे तो नहीं पता। कहते नेट ऑन करके देखो। मैंने वो नेट ऑन किया, इंतहाई ज़्यादा दुख हुआ। और यकीनन है इनकी वो पिक्चरें वो तशद्दुद ज़्यादा थी, वो देख के काफ़ी देर में खुद परेशान रहा हूँ। 2-3 घंटे मुझे खुद नींद नहीं आई और सुबह भी मेरे वालिद साहब ने मुझे पूछा कुछ बने कि नहीं, और आज भी मेरे वालिद साहब ने मुझे सुबह घर से भेजा है और कहते थे कि मदनी साहब को मेरा सलाम भी देना। और वो चूँकि खुद बीमार हैं, चल नहीं सकते, वो खुद भी उन्होंने आना था। कहते बेटा आप जाएँ उस्तादों के साथ, आप जाएँ नासिर मदनी साहब को मेरा पैगाम भी देना कि बेटा घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये दीन के रास्ते में अम्बिया को तकारीफ का सामना करना पड़ा है, हम तो उनके मानने वाले हैं। तो मैं मदनी साहब को ये हौसला भी देता हूँ और इनके लिए मैं दुआगो भी हूँ, अपने बुजुर्गों की तरफ से भी इनके लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा इनसे दीन का काम ले लें। अल्लाह ताला इनके वालिदा मोहतरमा को तादेर उनका साइन पे कायम रखे और अल्लाह ताला इनके बच्चों की इनकी आंखों की ठंडक बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम वालेकुम पीछे कर लो, ठीक है ठीक है। अज़ीज़ मौलाना नासिर मदनी के साथ जो वाक़िया हुआ है ये बड़ा अंदोहनाक वाक़िया है और पूरे मुल्क में इसमें तमाम जमात और बल्कि तमाम मसल के लोग मैंने नेट में सुना है, देखा है अलमत ताहिर साहब इनके सब पास आए हैं वापस लेकर। और कल परसों मैंने बयान पढ़ा अलमत सैयद अहमद अलीसम बरेलवी हैं, उनके नासिर मदनी के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। उलमा के साथ इस किस्म की हरकत करना ये बहुत बड़ा ख़तरनाक मामला है। अलमत सैयद अहमद ने कहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे आदमी को करार वाकई सजा दे जो उलमा की तोहीन करता है और उलमा के बारे में गलत सोचता है। उन्होंने कहा मैं मसल से हट कर ये कहता हूँ कलाम नासिर मदनी का मुल्क में मुकाम है और वह हमारे मुल्क के मायनाज़ ख़तीब हैं,
उनके साथ जो हुआ इस ये तमाम उलमा के साथ हुआ है, तो हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं इन साथियों को जिन्होंने बदमाशी की, इनको करार वाकई सजा दी जाए और इनको इबरत का निशाना बनाया जाए, इनका किसी आलम के साथ ज्यादती और बदमाशी ना करें और अल्लाह ताला इनको, मैं तो कहता अल्लाह ताला इनको जी लुखार करे। और इन्होंने ये तोहिन की है तो अल्लामा नासिर मदनी साहब मेरे अजीज़ हैं, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ और ये जो करीब बिलाल अजीज़ साहब है ये इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, अजीज़ अब्दुलरज़ाक ताहिर साहब भी इनके साथी हैं और मेरा बेटा अकाश मंसूर इनसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो भी साथ आया इनको देखने के लिए करने के लिए, और पूरी जमात इस गम में शरीक है। अल्लाह ताला इनको सब्र दे और इनके वालदा को भी अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमाए और इनको सलामत रखे और दीन की खिदमत करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं कारी मोहम्मद बिलाल अजीज़ी सहीवाल से उस्तादुल कुर्रा शेख कारी मोहम्मद याहिया रसूल नगरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया उनके साथ मैं मौलाना नासिर मदनी साहब की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मेरी मौलाना नासिर मदनी साहब के साथ प्यार भी है, दोस्ती भी है और मेरे भाई भी हैं और मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी मुसलमान रहते हैं करोड़ों में इनके फॉलोअर हैं जिनके सीने के अंदर दिल और दिल में ईमान है और वो दीन को समझते हैं और ज़रा सा भी उनका दीन के साथ शगफ़ है तो यकीनन हर मुसलमान का दिल ज़ख्मी हुआ है। आप यकीन करें घरों के अंदर मेरी माओं बहनों ने जिस दिन जब ये पता चला कि हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह उनके साथ ये वाकया हुआ है, हम देहातों में रहने वाले हैं, घरों के अंदर उस दिन रोटी नहीं पकी और माएँ बहनें रो रो के इनके लिए दुआएँ करती हैं और कर रही हैं और ये मैं समझता हूँ कि ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहने वालों की दुआओं, माओं की दुआओं का, बहनों की दुआओं का, बेटियों की दुआओं का सिला है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अक़दस को नई ज़िंदगी बख्शी है। और मौलाना अल्लामा नासिर मदनी साहब मुल्क पाकिस्तान की गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं, गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं और इतनी बड़ी शख्सियत ये बन चुके हैं कि मुझे ये सआदत हासिल है कि मैं इनके साथ अक्सर सफ़र में इनके साथ होता हूँ। साहिवाल के इलाके में जब ये हज़रत तशरीफ़ ले जाते हैं तो मैं इनके साथ सफ़र में होता हूँ। यकीन जाने मैंने फ़ौज के कर्नल को भी देखा, मैंने मेजर को भी देखा, मैंने पुलिस वालों को भी देखा, अफसरों को भी देखा, बहुत सारे लोगों को कि वो लोग हज़रत के साथ तस्वीर बनाने को उतरसते हैं और वो अपनी सआदत समझते हैं कि हज़रत के साथ मुसाफा हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शायद किसी हासिद की, किसी शरीर की नज़र बद लग गई हज़रत को और मैं हज़रत बाबा जी से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और अल्लाह ताला इनकी मसाई जमीला और जहूद कबीरा को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और मौलाना नासिर मदनी साहब को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। और मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि जिन जालिमों ने ये जुल्म किया है और जिन दरिंदों ने ये सफाकाना अमल किया है और बहीमाना तशद्दुद किया है हज़रत पे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ ये पहला वाकया है कि ये दरिंदे चंद घंटों के बाद पकड़े गए और इंशाल्लाह उनको ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाएगी कि मुल्क पाकिस्तान में किसी आलिम पे इंशाल्लाह आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकेगा कहीं इंशाल्लाह। और हज़रत मौलाना अल्लामा नासिर मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह सुबहानहु व तआला उनके साथ जो हुआ है, जो जुल्म हुआ है, जो तशद्दुद हुआ है, हमारा दिल बड़ा ज़ख्मी है और हम बड़े ही परेशान हैं, मिन हैसुल जमात पूरी जमात परेशान है हजरत और हम अरबाब इख्तियार से, हुकूमत वक्त से, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से, तमाम अरबाब और जितने भी इदारे हैं आईजी पंजाब से और आईबी स्पेशल ब्रांच मिलिट्री के इंटेलिजेंस जितने भी ये हमारे इदारे हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं कि हज़रत अल्लामा नासिर मदनी साहब के जो मुजरम हैं चूँकि पकड़े जा चुके हैं
जिनके साथ उनके ताने बाने मिलते हैं उनको भी इसके अंदर करार वाकई सज़ा दी जाए और हजरत के जो मुजरम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और जहां जी जिन्होंने इनको शह दी है और जिनकी एमा पे ये उन्होंने बहिमाना ये तशद्दुद किया है उनको करार वाकई सज़ा दी जाए और अल्लाह ताला हजरत अल्लामा नासिर मदनी साहब को सलामत रखे। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को, ये आवाम के साथ बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मैं ये सब हमारे घर में मेरे लिए ये सआदत की बात है कि हजरत अल्लामा नासिर मदनी साहब मेरे घर पहुँचे। मेरी वालिदा मोहतरमा जो हैं उनके पास भी जाते हैं और उनके मेरी वालिदा रो रही थी जब उन्होंने इनकी खबर सुनी। उन वो भी दुआएं कर रही हैं, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी। मैं इज़्ज़त माँ बकिया तो सलफिया रसूल नगरी साहब का जो हज़ारों शिरदों के उस्ताद हैं जिन्होंने कुरान की खिदमत की और मेरे साथी मुबल्लग आलम दीन हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर कारी मोहम्मद अब्दुर्रज़्ज़ाक ताहिर साहब जो मेरे साथ जलसों में आते जाते हैं। मैं पूरी जमात का साहिवाल से मेरे दोस्त लामा कारी बिलाल अजीज़ी साहब और भाई अतीक रहमान साहब जो भी साथ दफ्त में आए, हाफज़ मंसूर अहमद साहब कारी साहब के बेटे हैं, मेरे दोस्त हैं, कारी खालिद साहब बहुत अच्छे उस्ताद हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। आप इस मेरी गम की घड़ी में तशरीफ़ लाए, मैं बहुत महसूस किया है कि आपने मेरे गम में शरीक होकर मुझे ये बात साबित की है कि आप साहिवाल में आते हैं तो हम आपके गम में बराबर के